अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका फिर से मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कुवैत खबर YouTube चैनल पे। तो साथियों, आज की वीडियो में सबसे पहली जो खबर की शुरुआत करूंगा भाई, आप लोगों को मैंने कल की वीडियो मैं रात की वीडियो में बताया था कि कुवैत में अबू हलीफा एरिया में अचानक आग लग गया था, जिसकी वजह से बहुत सारे कारें जल गई। परसों मैंने बताया था कि अर्दिया में एक बस खड़ी थी, उस बस में अचानक आग लग गई, पूरी तरह से बस जलकर खाक हो गया। तो ये सब घटनाएं कुवैत में काफी ज्यादा हो रही, जिसके पीछे रीजन आपको पता ही है, गर्मी काफी ज्यादा बढ़ चुका है। तो इसी को देखते हुए कुवैत के नेशनल गार्ड के तरफ से एक प्रिकॉशन को जारी किया गया है, एक दोस्तों वहां पे गाइडलाइंस को जारी किया गया है। यदि कुवैत में आप ड्राइविंग सेक्टर पे काम करते हो, आप गाड़ी चलाते हो, या फिर आप कुवैती नागरिक ही क्यों ना हो, आप सभी को कुछ सलाहें दी गई हैं जिसके वजह से आग लगने से बचा जा सकता है। जैसे कि अवॉइड लीविंग कंप्रेसर मटेरियल, यानी यदि आप कुवैत में गाड़ी वगैरह को चलाते हो तो कंप्रेस का जो मटेरियल होता है आपको नहीं ले जाने से कहा जा रहा है। जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक, जैसे कि दोस्तों कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो पीते हो, सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह जिसे कहा जाता है, उसे नहीं ले जाने की सलाह दी जा रही है। किसी तरह का परफ्यूम आपको कार में बिल्कुल भी नहीं रखना है, किसी तरह का स्प्रे वगैरह ये सब भी कार में आपको नहीं रखना है, और किसी तरह का प्लास्टिक का वाटर बोटल्स ये भी आपको नहीं रखना। और यदि कोई सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है, यानी किसी तरह का मिरर जो सनलाइट को यानी सूरज की किरणों को जो रिफ्लेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से आग लग जाता है, वो सब चीजों को भी कार में रखने से पूरी तरह से मना किया जा रहा है कुवैत के ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से भी और नेशनल गार्ड सिक्योरिटी नेशनल गार्ड की तरफ से भी। तो भाई ये सब चीजों का आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि आपका जान बहुत ही कीमती, खासतौर पर प्रवासी भाइयों के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप ड्राइविंग करते हो गाड़ी को, आप लोगों ने अधिकतर क्या करते हो कि आप शीशा वगैरह बंद करके गाड़ी में सो जाते हो, तो भाई ये सब चीजें बिल्कुल भी ना रखें। आग लग जाएगा तो फिर शीशा भी नहीं खुल पाएगा, आपकी जान पूरी तरह से चली जाएगी। तो ये सब चीजों का आपको ध्यान देना है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है, साथियों वैसे इंडिया से खबर है पर बहुत ही बड़ी खबर, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं। केरला लैंडस्लाइड, ओवर 80 बॉडीज रिकवर ऑफ रेस्क्यू ऑपरेशन अंडरवे। भाइयों इंडिया में केरला में बाढ़ आया हुआ है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो भी मेरे केरला के भाई हैं आप लोगों इसके बारे में बाखूबी अच्छे से खबर मिल गई होगी। केरला में बाढ़ आया हुआ है, जिसे लैंडस्लाइड भी आप कह सकते हैं। उस बाढ़ के दौरान बहुत ही ज्यादा तबाही हुई है, एक आंकड़े के मुताबिक लगभग 80 लोगों की अब तक बॉडी को रेस्क्यू किया जा चुका है। तो खबर क्या पूरी बताता हूं। डजन आर फेयर ट्रैप्ड आफ्टर हेवी रेन ट्रिगर मैसिव लैंडस्लाइड एंड साउथर्न इंडियन स्टेट ऑफ केरला। तो दोस्तों बहुत सारे लोगों की वहां पे जान चली गई है, बहुत सारे लोगों को जान बचाया जा चुका है, पर अभी भी रेस्क्यू टीम वहां पूरी तरह से मुस्तैद है ताकि जो भी लोग वहां पे फंसे हुए हैं उन सबको निकाला जा सके। अगली जो खबर आ रही, कुवैत हेल्थ मिनिस्टर प्रेज इमरजेंसी पर्सनल फॉर सेविंग लाइफ। साथियों कुवैत के जो हेल्थ मिनिस्टर है डॉक्टर अहमद अल आवेदी साहब के तरफ से एक मेडिकल इमरजेंसी डिपार्टमेंट को कंट्रीब्यूट किया गया है ताकि किसी तरह का इमरजेंसी हो तो उन लोगों की जान बचाई जा सके। तो दोस्तों ये कुछ खबरें थी, अपडेट्स थी जो मैंने अब तक शेयर किया। किसी तरह का मन में आपके सवाल हो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूंगा आप लोग का सवालों का जवाब देने के लिए। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।